अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों का मेरे इस पहले लॉन्ग वीडियो में स्वागत है। और आप कह सकते हैं कि ये मेरा पहला लॉन्ग व्लॉग है। और पहले मैं व्लॉग बनाया करता था, शॉर्ट्स बनाया करता था, फिर मैं बिज़ी हो गया मेरे एग्ज़ाम्स की वजह से। लेकिन अब आप सबका भाई फिर से आ चुका है। तो गाइस, आप सब लोगों ने गैस कर लिया होगा और आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि आज का हमारा प्लान क्या है। तो आज हम लोग जाने वाले हैं पिकनिक पे, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। जब हम वहाँ जाएंगे आप सबको मैं व्यू दिखाऊंगा, तब आप लोग खुद गैस कर लेना और कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। एनीवेज वेलकम बैक हो गए तुम सबका अनदर ब्लॉग के अंदर। अगर अभी तक तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करके मेरे वीडियो को लाइक कर देना। और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि मैं वेट कर रहा हूँ अपने कज़न का। जब मेरा कज़न आएगा तो मैं और मेरे कज़न और सब मिलकर जाएंगे पिकनिक पर, लेकिन अभी मैं उसका वेट करूँ और मैं अभी रेडी होकर फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइस, बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद अभी तक मेरा कज़न नहीं आया है। मुझे तो ये डर है कि कहीं ये ट्रिप कैंसिल ना हो जाए, लेकिन उसका भी तो कसूर नहीं है। वो भी बहुत दूर से, उसका भी घर बहुत दूर है, वो बहुत दूर से आता है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन आप सब परेशान ना होना, आप सब मेरे साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन आप सबको मैं पिकनिक पर तो लेके ही जाऊँगा और सारा व्यू आप सबको दिखाई दूँगा। लेकिन यह एक चैलेंज मैं आप सबके लिए रख रहा हूँ कि मैंने पहले भी बताया था कि आप सब लोगों को खुद गेस करना है कि यह जगह कौन सी है, ठीक है। तब तक हम वेट करते हैं, जब कज़न आता है तब हम मिलते हैं। थोड़ा वेट करने के बाद मेरे कज़न आ चुका है, तो मिलते हैं। हाँ सैन भाई, वही हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं नहर। नहर कौन सा नहर? हसनपीर। अरे यार, आपने बता दिया, मैंने व्यूअर्स को बोला था वो कमेंट बॉक्स में खुद मेंशन करेंगे, मैं सिर्फ उनको व्यू दिखाऊंगा। चलो कोई बात नहीं व्यूअर्स, आप सब लोगों को पता चल गया, आप लोगों से चैलेंज अट गया ये समझे। लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ जहाँ हम जा रहे हैं, लेकिन वो गैस कर लेना फिर भी। तो मिलते हैं उधर। तो गाइस, यहाँ पर हम कुछ देर के लिए रुक रहे हैं क्योंकि मोटर बाइक की थोड़ी सी काम थे, इसीलिए हमको थोड़ा वेट करना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं अपनी सफर की तरफ। तो गाइस, बहुत ज्यादा सफर करके तब गए हम और यहाँ हम आए खाना खाने। और इस शॉप का नाम क्या है भाई? वली चपली कबाब। वली चपली कबाब कराची का बहुत ज्यादा मशहूर है ना? जी, बनारस में। बनारस में बहुत ज्यादा मशहूर। कबाब वाले के पास हम आए खाना वाना खा के फिर निकलते हैं भाई। तो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पर नहाया, एंजॉय किया बहुत सारा, हमको बहुत ज्यादा हमको मजा आया। लेकिन अब हम मेरे कानों में भी पानी घुस गया है, मैं सीधा से सुन भी नहीं रहा हूँ। तो हुसैन भाई से पूछते हैं। हाँ हुसैन भाई, बताओ। बहुत मजा आया, अब घर की याद आ रही है। फिर हम घर जाएंगे? हम घर निकलेंगे क्योंकि शाम हो चुकी है। तकरीबन यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है हमारा घर? एड्रेस नहीं बताना। 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर हम आए हैं सिर्फ इस शॉप के लिए। गाइस, आप सब लोग देख सकते हैं, इस शॉप के लिए। यहाँ से पानी सीधा सीधा आ रहा है, यहाँ से फिर बीच में गोल सा बना है। यहाँ पर पानी ऐसा टर्न मारेगा, फिर यहाँ से सीधा जाएगा पानी। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा एक बार मैं डूबने वाला था, लेकिन हुसैन भाई ने मेरे को बचा लिया। सही है, शुक्रिया हुसैन भाई। अभी हम मिलते हैं, अभी हम जा रहे हैं होटल में मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस, हम आए हैं यहाँ पर चाय पीने। तो हुसैन भाई तो अपना चाय पी रहे हैं, मेरा तो चाय अभी तक बचा है भैया। चाय मैं पी के हम निकलने ही वाले हैं, बल्कि धूप की वजह से आपको मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा था, अभी बिल्कुल सेट है, ये परफेक्ट नजर है, देखो धूप। यहाँ पर हम आए थे, ठीक है, अभी हम बस निकलने ही वाले हैं, बस निकल रहे हैं ना, चाय पी के निकल रहे हैं।
बस चाय पी के निकल जाएंगे। ठीक है गाइस, हम पिकनिक से वापस आ गए थे और मैं बहुत ज्यादा थक चुका था, इसीलिए मैं रात को मैंने व्लॉग बनाना मुनासिब नहीं समझा, इसीलिए मैंने चेंज वगैरह भी कर लिया और मैं रेस्ट भी मैंने बहुत ज्यादा कर लिया था, अभी रेस्ट वेस्ट से पारिक हो गया हूँ, तो मैंने सोचा व्लॉग का लास्ट शॉट बना ही लेता हूँ, फिर एडिटिंग का काम भी करना है और बहुत ज्यादा काम है, फिर मिलते हैं गाइस अपना नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन आप लोग जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, और हाँ एक और एक बात यह नहीं भूलना है कि बेल आइकन आप लोगों ने हर गेज ही दबाना है, क्योंकि मुझे मेरा एक और भी नया व्लॉग आने वाला है और पिकनिक व्लॉग, वो भी नया पिकनिक ही व्लॉग है, और एक हिंट तो मैंने आप लोगों को यह भी दे दिया क्योंकि आज हम लोग फिर जा रहे हैं पिकनिक पर, इसीलिए नया व्लॉग भी आने वाला है, तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा कर रखिएगा ताकि आप लोग जल्द से जल्द अलर्ट हो जाएं और मेरी वीडियोस को देखते रहें, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपका प्यारा भाई यासीन। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।